नव भारती परिवार में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है हमारा पाठ्यक्रम के प्रकार। लास्ट वीडियो में मैंने आपको पाठ्यक्रम के उपागम के बारे में बताया था, अब मैं बता रही हूँ आपको पाठ्यक्रम के प्रकार, यानी कि पाठ्यक्रम आखिर होते कितने प्रकार के हैं, कि हम उनका किस किस रूप में हम उनका विभाजन कर सकते हैं। पाठ्यक्रम को जब हम विभाजन करते हैं पाठ्यक्रम का, तो हम उन्हें किन किन नामों से हम उन्हें संबोधित करते हैं, ये हम पाठ्यक्रम के प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे। और पाठ्यक्रम के प्रकार के बारे में हम देखें तो पाठ्यक्रम के जो प्रकार हैं उनको हमने 8 भागों में इनका विभाजन किया है। 8 है जो पाठ्यक्रम के प्रकार, उसमें पहला हम देखें तो सबसे पहला जो हमारा पाठ्यक्रम है वो पाठ्यक्रम है हमारा बाल केंद्रित पाठ्यक्रम। बाल केंद्रित पाठ्यक्रम। सेकंड है हमारा विषय केंद्रित। थर्ड है हमारा अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम। थर्ड है हमारा। फोर्थ है हमारा अनुभव के थर्ड फर्स्ट हमारा बाल केंद्रित पाठ्यक्रम, सेकंड है हमारा विषय केंद्रित पाठ्यक्रम, थर्ड है हमारा अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम, फोर्थ है हमारा कोर पाठ्यक्रम और फिफ्थ है हमारा सुसंबद्ध पाठ्यक्रम। सिक्स है हमारा, यानी कि हमने इनको 8 भागों में हमने इसका विभाजन किया है। सिक्स है हमारा कार्य केंद्रित पाठ्यक्रम। सेवेंथ है हमारा परंपरागत एकीकृत पाठ्यक्रम। हम जो इनको 8 भागों में हम इनका जो विभाजन करेंगे, वो पाठ्यक्रम का हम जो विभाजन करेंगे, तो विभिन्न विभिन्न तरीके से हम इनका जो विभाजन करते जाएंगे कि भाई बाल केंद्रित पाठ्यक्रम हमारा कौन सा पाठ्यक्रम होता है, विषय केंद्रित हमारा कौन सा आता है, और इसे हम कहें तो अनुभव केंद्रित कौन सा होता है हमारा, और जो मैंने आपको बताया आपका कोर परंपरागत पाठ्यक्रम का, और फिर से है जो हमारा है वो है हमारा 8 नंबर पे हमारा पाठ्यक्रम है समन्वित पाठ्यक्रम। हमारा कौन सा पाठ्यक्रम है, इसमें हम सबसे पहले हम इन सभी पाठ्यक्रमों का अलग अलग से हम इनका विभाजन हमने किया है। परंपरागत और समन्वित और एकीकृत पाठ्यक्रम हमारे इसी में ही है, एकीकृत पाठ्यक्रम। तो इस तरीके से हमने इनका 8 भागों में हमने इनका विभाजन किया है। और जो आज जो हम सर्वप्रथम जो हम पाठ्यक्रम पढ़ेंगे वो पाठ्यक्रम है हमारा प्रथम हमारा बाल केंद्रित पाठ्यक्रम। अब बाल केंद्रित पाठ्यक्रम के बारे में और बाल केंद्रित पाठ्यक्रम होता क्या है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे कि बाल केंद्रित पाठ्यक्रम कौन सा पाठ्यक्रम होता है, इसकी विशेषताएं क्या होती हैं, और इनके बाद में इसकी लिमिटेशन क्या होती है, अर्थात हम इनकी जो सीमा है, या हम कहें कि जब हम कोई कार्य करते हैं तो सभी कार्यों में जहां उनमें गुण विशेषता के रूप में छिपे हुए होते हैं, तो कहते हैं कि कुछ अगर गुण होते हैं विशेषताएं होती हैं तो उसके अंदर हमारे कुछ लिमिटेशन, कुछ दोष, कुछ सीमाएं भी होती हैं। तो यही मैं आज आपको बताऊंगी। सर्वप्रथम हमारा है बाल केंद्रित पाठ्यक्रम। जो आज का हमारा पाठ्यक्रम है वो हमारा बाल केंद्रित पाठ्यक्रम है, अर्थात जो शिक्षार्थी पर जोर देता हो, अर्थात शिक्षक पर जोर ना देकर शिक्षार्थी की क्रियाओं पर जोर दे। तो आज का हम जो पाठ्यक्रम हमने बनाया है वो पाठ्यक्रम बच्चों की मनोवृत्तियों को ध्यान में रखते हुए, बालक की अपनी मानसिक योग्यता को देखते हुए, बालक की क्षमता के अनुसार, बालक की रुचि के अनुसार, इन आधार पर हमने जो आज का हमारा पाठ्यक्रम बनाया है वो हमने बाल केंद्रित पाठ्यक्रम रखा है, अर्थात उसमें फोकस हमने बालक को रखा है कि बालक किस तरीके की गतिविधियाँ और किस तरीके से पूरा कर सकते हैं, या कितनी उनमें योग्यता है, यानी बालक की योग्यता पर आधारित पाठ्यक्रम कि वो किस तरीके से अपने
पाठ्यक्रम पूरा कर सकती है। तो प्रथम जो हमारा है वो हमारा है बाल केंद्रित पाठ्यक्रम, जो बालक पर आधारित होता है, बालक की अधिगम क्षमता पर आधारित होता है कि बालक किस तरीके से कितना ग्रहण कर सकता है। आज का जो पाठ्यक्रम है वो बालक को देखते हुए बनाते हैं कि बच्चे, यहाँ हम सभी तरह के बालक को देखते हुए बनाते हैं, ये नहीं कि हम सिर्फ एक ही पक्ष देखते हैं। यहाँ हम कहते हैं कि बालक के तीनों रूप, जिसे हम कह दें कि बहुत इंटेलिजेंट बच्चे को देखते हुए, जो मध्य होते हैं उनको देखते हुए, या हम सबसे कहें कि जो वीक बच्चे होते हैं उनको देखते हुए, इन तीनों का समावेश, इन तीनों तरह के बालकों को देखते हुए हम पाठ्यक्रम को बनाते हैं। तो इसीलिए जो हमारा कहा जाता है, जो हमारा आधुनिक पाठ्यक्रम, जो हमारा आज का पाठ्यक्रम है, जो क्रिया प्रधान है, तो वो हमारा बाल केंद्रित है। यानी कि यहाँ पर हम किसको छूट दे रहे हैं, बालक को छूट दे रहे हैं। तो इसमें बताई गई है कि सबसे पहले हम पाठ्यक्रम में विशेषताएं देखें, तो हम देखते हैं कि यहाँ पर जो आ रहा है कि बाल केंद्रित पाठ्यक्रम, कि बाल केंद्रित पाठ्यक्रम की विशेषताएं क्या है। तो प्रथम पाठ्यक्रम की विशेषता है बालक की, सबसे पहले कि बालक की प्रकृति, बालक की रुचि, बालक की आवश्यकता, इन पर निर्भर होता है। जैसा मैंने आपको नाम से ही बताया, यहाँ पर इसकी बालक की प्रकृति, रुचि, आवश्यकताएं, हम इन सबको ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम का निर्माण करते हैं। यानी कि इस पाठ्यक्रम की जो प्रथम विशेषता है वो है बालक की प्रकृति, रुचि और आवश्यकताओं के अनुसार हम यहाँ पर पाठ्यक्रम तैयार करते हैं। सेकंड है हमारा इसमें कि परंपरागत पाठ्यक्रम को दोष माना जाता है इसमें। यहाँ पर जहाँ हमने देखा है कि यहाँ का जो पाठ्यक्रम है वो परंपरागत पाठ्यक्रम ना हो, क्योंकि परंपरागत पाठ्यक्रम में हमने देखा था कि परंपरागत जो पाठ्यक्रम था वो पाठ्यक्रम हमारा छोटा था। आज का जो हमारा पाठ्यक्रम है आधुनिक पाठ्यक्रम, वो हमारा पाठ्यक्रम कैसा है, व्यापक है। जहाँ परंपरागत पाठ्यक्रम में कहाँ शिक्षक की भूमिका प्रधान थी, या हम कहें कि परंपरागत पाठ्यक्रम हमारी रटन विद्या पर जोर देता था कि भाई हमें जो है सिर्फ बच्चा उसे याद करे और रटे उसे भूले ना, लेकिन जो हमारा आज का पाठ्यक्रम है, जो हमारा क्रिया प्रधान पाठ्यक्रम है, अर्थात उसमें भूमिका किसकी होती है, बालक की। यहाँ पर शिक्षक हमारे सहायक के रूप में होते हैं। तो ये हमारा जो परंपरागत पाठ्यक्रम को नहीं मानते, कौन, हमारा बाल्य पाठ्यक्रम, जो हमारा बालक पर केंद्रित है, ये पाठ्यक्रम परंपरागत पाठ्यक्रम को दोषपूर्ण मानते हैं। तो उन दोषों को, उन कमियों को इन्होंने इन पाठ्यक्रम में नहीं दोहराया। थर्ड है हमारा इसमें जो भी हमारी कहते हैं पाठ्यक्रम के दोष से मुक्त, यानी कि आज का जो हमारा पाठ्यक्रम है, हम जो पाठ्यक्रम बना रहे हैं, जहाँ तक भी कहते हैं जिन भी जो भी कमियाँ हमारी परंपरागत पाठ्यक्रम में रही, उन पाठ्यक्रम की जो भी हमारी कमियाँ थी, उन पाठ्यक्रम में हमने इसमें अब दोहराने का कार्य नहीं किया। अर्थात यहाँ हम पढ़ें तो यहाँ पर सारा कार्य हमें किसे करना होता है, बालक, क्योंकि पाठ्यक्रम ही हमारा जो आज का बेस है वो बाल केंद्रित बना दिया। हम देखते हैं अगर शिक्षक पढ़ाते हैं तो बच्चों को करने के लिए कुछ ना कुछ वो कार्य क्लास में भी देते हैं, हम उन्हें घर पे भी करने के लिए देते हैं। अर्थात जहाँ बच्चों को कार्य दिया है, अगर बच्चों को नहीं आते हैं, स्वयं क्रिया करवाया है, अगर बच्चों को नहीं आते हैं तो वहाँ शिक्षक उनके सहायक के रूप में कार्य करते हैं। अर्थात ये पूरा के पूरा ये पाठ्यक्रम हमारा बाल केंद्रित होता है और बालक पर ही फोकस करता है। अब हम देखेंगे जो हमारी इसकी लिमिटेशन, कि हमारे इसकी लिमिटेशन कौन कौन सी है, कौन कौन सी इसमें दोष पाए जाते हैं, कि विशेषता के साथ साथ हमारे पाठ्यक्रम में कौन कौन सी दोष पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो प्रथम हमारा पाठ्यक्रम है, पाठ्यक्रम में दोष है, वो है हमारा इसमें सबसे पहले हम देखें इसमें बाल विकास। अर्थात यहाँ पर हम देखें तो यहाँ कहते हैं कि हम जो भी कार्य करते हैं लिमिटेशन में, कि यहाँ पर अनावश्यक रूप से बालक पर क्या पड़ता है, जोर पड़ता है। यानी कि सारे कार्य किसको करने पड़ते हैं, बालक को। अगर बालक कर रहा है उस कार्य को तो क्या करना है, बालक पर अनावश्यक वजन बढ़ाना। कहते हैं कि आज का जो
कहते हैं कि अनावश्यक रूप से बच्चों के कार्यों पर या उनके मस्तिष्क पर अनावश्यक रूप से बोझ पड़ रहा है। इससे क्या होता है, बाल विकास रुक जाता है। कहते हैं बाल विकास में अवरोध का काम कर रहा है आज का पाठ्यक्रम। कहते हैं ना कि आजकल के बच्चों का हमने देखे हैं उनके बैग इतने भारी होते हैं। जब कहते हैं कि छोटे से बच्चे के पास अनावश्यक रूप से पुस्तकों का वजन होता है, अगर पुस्तक है तो उसके अंदर उसके साथ उनका पाठ्यक्रम भी होता है। तो यही चीज इसमें होता है, इसमें सबसे बड़ा दोष है कि बाल विकास का अवरोध बन रहा है। ये बच्चे छोटे हो या बड़े, छोटे छोटे बच्चे भी इस किताबी के बोझ से, इस पाठ्यक्रम के बोझ से वो दबे जा रहे हैं, उनके विकास में अवरोध का काम ये कर रहे हैं। सेकंड है हमारा, बालकों में वांछित मनोवृत्ति व अभिवृत्ति का विकास। कहते हैं कि इसमें जब बालक सीखते हैं उनकी सीमा में, कहते हैं बच्चों हैं क्या करते हैं, अगर बालक पर है तो बालक की मनोवृत्ति अर्थात बालक के अपने विचारों के आधार पर बालक कार्य करता है। वो अगर कई बार ऐसा होता है कि वो शिक्षक की बात को न मानते हुए वो अपनी विषयता की जहाँ पर बालक पर अगर हम यहाँ पर पूरी तरह से छोड़ते हैं अपना पाठ्यक्रम, तो यहाँ पर बाल मनोवृत्ति अर्थात पूरी तरह से बच्चे अपने विचारों का इसमें समावेश करते हैं और उनकी खुद की अभिवृत्ति का विकास भी होता है। कहते हैं कि ये बालकों में वांछित मनोवृत्ति व अभिवृत्ति का विकास करता है। कौन? हमारा बाल्य पाठ्यक्रम, अर्थात वो उसी तरीके से अपनी चलती रहती है कि किस तरीके से वो अपना कार्य करेंगे, किस तरीके से। सेकंड है हमारा, अगर हम देखें इसमें, हम कहते हैं कि जो हमारी पाठ्यक्रम बना रहे हैं, सबसे पहले जो हमारी प्रकृति होती है बालक की, जो हमने पढ़ी थी कि बालक की प्रकृति ही हमारी सबसे बड़ी अवरोध होती है, क्योंकि इसमें अगर हम सब कुछ बालक पर छोड़ते हैं तो बालक यहाँ जो मैंने अभी आपको बताई थी कि बाल विकास में यहाँ पर उनकी अवरोध बन जाती है, यानी कि वो हमारी अपनी इच्छा के अनुसार वो कार्य करते हैं, अपनी इच्छा के अनुसार किस तरीके से उन्हें कार्य करता है वो अपनी रुचि उसी क्षेत्र में जागृत करते। तो कहते हैं अनावश्यक बच्चों की रुचियाँ कई बार अपने क्षेत्र को चुनने में, कहते हैं कि जब बच्चे कई बार अपने क्षेत्र गलत क्यों चुन लेते हैं, क्योंकि उन्हें वो समझ नहीं होती है। तो अगर बाल पाठ्यक्रम है तो उसका दोष भी है ये कि जो हम प्रकृति बता रहे हैं कि बाल प्रकृति पर आधारित होना चाहिए, रुचि पर, तो यही हमारे लिए हमारे पाठ्यक्रम का दोष भी बन सकती है। सेकेंड का हमारा इसका सामाजिक उत्तरदायित्व की अवहेलना। कहते हैं कि बाल पाठ्यक्रम में जब वो पाठ्यक्रम ओनली बालक पर केंद्रित होकर रह जाता है तो बालक समाज से भी कट जाता है, अर्थात उसे समाज की भी परवाह नहीं रहती वो ओनली, क्योंकि पाठ्यक्रम सिर्फ व्यक्ति छात्र के खुद के लिए, स्वयं के लिए होता है, खुद का कैसे विकास करना है या कहें कि खुद को कैसे वो अपना कहते हैं अपने आजीविका चुनना है, सिर्फ इतना रह जाता है। तो यहाँ पर हम कहें तो व्यक्ति अपने समाज से दूर हट जाता है, और अगर समाज से हम दूर हटते हैं तो समाज में होने वाले परिवर्तन, समाज में होने वाली बुराइयाँ, समाज में होने वाले अच्छे बुरे कार्य, इनका हमें कोई भी ज्ञान नहीं होता। अगर हमें इन चीज़ों का ज्ञान नहीं होता है तो हम आगे जाके हम अपना विकास नहीं कर सकते। कहते हैं बालक के लिए समाज, परिवार और विद्यालय से जुड़ना दोनों के लिए जरूरी है। इसीलिए कहते हैं कि पाठ्यक्रम ओनली बाल केंद्रित नहीं होना चाहिए, क्योंकि पाठ्यक्रम में अगर समाज का कहीं ना कहीं रूप नहीं होता है तो वो पाठ्यक्रम हमारा अधूरा माना जाता है। फिर है हमारा क्रमिक ज्ञान प्राप्त। कहते हैं कि जब हम बाल केंद्रित, कहते हैं हम बच्चे को जो कार्य करना देते हैं बालक को स्वयं करने के लिए, तो बच्चे इसमें अपना क्रम ध्यान नहीं रखते, अर्थात वो ये ध्यान नहीं रखते कि हमें इस कार्य को किस तरीके से करना है, किन सामग्रियों का हमें इसमें प्रयोग करना है, किस क्रम से हमें इसे निर्धारित करना है, अर्थात जो वो ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं वो उनका क्रमिक ज्ञान नहीं होता, अर्थात क्रमबद्ध पूर्व का ज्ञान नहीं होता। क्योंकि जब तक अनुभव, और कहते हैं अनुभव हमें किससे प्राप्त होंगे, शिक्षक से, तो कहते हैं कि जब तक हमें अनुभव से प्राप्त ज्ञान प्राप्त नहीं होगा तो वो ज्ञान हमारे लिए अधूरा रहता है। तो अगर हम यहाँ पर सिर्फ बाल केंद्रित ज्ञान की बात करें यहाँ पर, तो ये क्रमिक ज्ञान ना, हमारा कहते हैं कि जो बाल केंद्रित ज्ञान है अगर हम इस पर पाठ्यक्रम लागू करते हैं तो ये हमारे क्रमिक ज्ञान प्राप्त नहीं करवाता है कि हमें किस तरीके से, किस स्टेप से ये ज्ञान प्राप्त करना है। अब आता है हमारा विषय केंद्रित पाठ्यक्रम। फर्स्ट था हमारा बाल केंद्रित, सेकंड है
उपदेश होता है, जहां मैंने पहले भी आपको उपागम में बताया था विषय केंद्रित पाठ्यक्रम। यहां हम प्रत्येक विषयों का अध्ययन करते हैं। यहां पर जो हम बाल केंद्रित पाठ्यक्रम पढ़ रहे थे वो बालक पर था, अब बालक यहां पर प्रत्येक विषयों का अध्ययन करता है। और प्रत्येक विषयों के अध्ययन के साथ क्या कहते हैं, जब हम प्रत्येक विषयों का अध्ययन करते हैं तो आपस में जो हम विषयों का सह संबंध स्थापित होता है उसका ज्ञान भी हमें यहाँ विषय केंद्रित पाठ्यक्रम में प्राप्त होता है कि एक विषय को हम दूसरी विषय से किस तरह से जोड़ते हैं, ये सह संबंध हमें विषय केंद्रित पाठ्यक्रम बताता है। और इसमें हम एक विषय से ज्यादा विषयों का हम प्रत्येक विषयों का हम यहाँ अध्ययन करते हैं। यहाँ पर अब इसकी विशेषताएं, हमारे पाठ्यक्रम की विशेषताएं होती है, इसमें सबसे पहला मैंने बताया आपको एकीकृत पाठ्यक्रम, अर्थात जहाँ इसमें सारी विषयों का समावेश, सारी विषयों को सह संबंध स्थापित कर दिया जाता है, एकीकृत कर दिया जाता है कि हमारे इस क्लास में इन विषयों का पाठ्यक्रम, तो वो पाठ्यक्रम हमारा पूरा एकीकृत हो जाता है, यानी कि वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है। तो पहला है हमारा एकीकृत पाठ्यक्रम, सेकंड है हमारा शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति, यानी कि जब हम विषय का ज्ञान लेते हैं तो विषय का ज्ञान ले रहे हैं ना, वहाँ हमारा सबसे ज्यादा फोकस ओनली हमारे शिक्षा के उद्देश्य अर्थात हमारे विषय का ज्ञान, विषय के ज्ञान से समेट के रह जाता है, अर्थात हम यहाँ पर हमारे विषयों का पूर्ण रूप से ज्ञान ग्रहण करते हैं। थर्ड है हमारा पाठ्य सामग्री ज्ञान, कहते हैं जिन विषयों के लिए हमें जिन सामग्रियों की आवश्यकताएं होती हैं उन सामग्रियों का उपयोग करना हमें विषय केंद्रित पाठ्यक्रम बताता है कि इस विषय में हमें किन किन सामग्रियों का हमें प्रयोग करना है। फिर है हमारा पाठ्य वस्तु निश्चित करना, यानी कि जब हम प्रत्येक विषय का हम ज्ञान ले रहे हैं तो उसके अंदर हमारा एक विषय वस्तु, जिसे हम ये कह दें कि हम इकाई के रूप में हमारा यहाँ पर इनका निर्धारित होती है कि हमारी विषय वस्तु हमारी क्या है, किस इकाई से लिया गया है। तो इसमें कहा गया है कि जब हम विषयों का ज्ञान लेते हैं विषय केंद्रित पाठ्यक्रम, तो वहाँ हमारा हमारी पाठ्य वस्तु भी निश्चित होती है। हम उन इकाइयों में से हम उन प्रकरणों का, हम उन टॉपिक का एक निश्चित होता है कि हमें इन चीज़ों का ज्ञान प्राप्त करना है। फिर आता है लास्ट में हमारा प्रत्येक ज्ञान का ज्ञान पृथक और सहसंबंध, कहते हैं कि जहाँ हम विभिन्न विषयों का उसमें समावेश होता है तो सभी विषयों का ज्ञान भी अलग अलग होता है। हम कहें कि हिंदी का अलग लेंगे हम, हम विज्ञान का अलग लेंगे हम, मैथ का अलग लेंगे हम, तो कहते हैं कि विभिन्न जो विषय होती है उनका ज्ञान भी पृथक होता है, लेकिन वो ज्ञान आपस में किस तरीके से जोड़ना है हमें, ये हमें विषय केंद्रित पाठ्यक्रम बताता है। अब कहीं हम विषय केंद्रित पाठ्यक्रम की लिमिटेशन हम देखें तो हम देखते हैं कि अगर एकीकृत पाठ्यक्रम है तो एकीकृत पाठ्यक्रम हमारे लिए कैसा हो जाता है, व्यापक हो जाता है। कैसा है इसकी लिमिटेशन, क्या है, व्यापक कोर्स हो जाता है, अर्थात बड़ा हो जाता है। हम एक विषय के साथ साथ हम अनेक विषयों का अध्ययन उसमें करने लगते हैं। फिर क्या होता है, कई बार ये होता है कि प्रत्येक बच्चों की जो हमारी विषय होती है, जरूरी नहीं होता कि उन सारी विषयों में बच्चों की रुचि हो, तो इसमें बताया गया कि ये हमारा एक क्षेत्र कैसा हो जाता है, व्यापक हो जाता है। दूसरा है हम पाठ्य सामग्रियों का जो हम चयन करते हैं, पाठ्य सामग्री का चयन पूर्ण तरीके से प्रयोग करने का अभाव। हम किस तरह से उसका प्रयोग करते हैं, ये हमें, यानी कि हम प्रत्येक विषय के लिए प्रत्येक सामग्री का हमें पूर्ण ज्ञान नहीं होता, इस चीज की हमें इसमें सबसे बड़ी कमी आती है। आप कहें सह संबंध, कहते हैं कई बार ऐसा होता है कि हम जो सह संबंध स्थापित करते हैं उन विषयों में आपस में, हम वो सह संबंध सही तरीके से हम उनका संबंध स्थापित नहीं कर पाते, या कहें हम उसे सही ढंग से हम उसे एक्सप्लेन नहीं कर पाते। ये हमारी इसकी विशेषता होती है कि भाई हम कई बार जो कार्य करते हैं वो हमें किस तरीके से करना है, उन पाठ्य सामग्री के जो सामग्री उपकरण हमने किस तरह से प्रयोग में लेना है। थर्ड हमारा आ गया इसमें कि प्रत्येक ज्ञान का क्रम, प्रथक और सहसंबंध, और ये सहसंबंध हम क्या करते हैं, सहसंबंध
विषय पढ़ते हैं उनमें जो आपस में जो अंतर होता है या उसमें जो संबंध होता है उसको बताने के लिए, हम जब उस चीज़ का ज्ञान हमें पूरी तरह से नहीं होगा तो हमारा वो सहसंबंध जो मैं एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं वो हम पूर्ण रूप से नहीं बता पाते। तो आज का जो हमारा टॉपिक था हमारा पाठ्यक्रम के प्रकार, कि पाठ्यक्रम के कौन कौन से प्रकार हैं, इसमें मैंने आपको बताया कि पाठ्यक्रम के हमारे 8 प्रकार थे। बाल केंद्रित, विषय केंद्रित, अनुभव केंद्रित, कोर पाठ्यक्रम, हम कहे कार्य केंद्रित पाठ्यक्रम, परंपरागत पाठ्यक्रम, समन्वित पाठ्यक्रम या हम उसको एकीकृत पाठ्यक्रम कहते हैं। एक हमारा है सुव्यवस्थित या सुसंबद्ध, सुव्यवस्थित पाठ्यक्रम कि हमें ना किस किस से कहते हैं ना सुव्यवस्थित रहता है, तो ये है हमारा सुव्यवस्थित पाठ्यक्रम। अब जो हमने प्रथम आपको पढ़वाया था बाल केंद्रित पाठ्यक्रम, बाल केंद्रित पाठ्यक्रम और विषय केंद्रित पाठ्यक्रम। तो बाल केंद्रित पाठ्यक्रम में आज मैंने आपको विशेषताएं भी बताई, इसकी लिमिटेशन बताई, विशेषताओं में मैंने बताया सबसे पहले कि बाल केंद्रित पाठ्यक्रम है तो वो बालक की प्रकृति और रुचि पर आधारित होगा। ये परंपरागत के जो परंपरागत पाठ्यक्रम है उसके दोष से मुक्त होता है, क्योंकि जो हमारा परंपरागत पाठ्यक्रम था वो हमारे एक रटन विद्या पर आश्रित था, हमें ये कहा जाता था कि हम रटे याद करें यानी कि। और थर्ड था हमारा जो बाल विकास के कहते हैं कि बाल विकास में यानी बालकों में जो वांछित मनोवृत्ति, उनकी जो मनोवृत्तियाँ, उनके जो मन के विचार होते हैं, हमें ऐसे वांछित यानी कि जो सही हो ऐसे विचार हमारे कौन करता है बाल विकास आगे बढ़ते हैं, हमारे ऐसे विचार हमारे बाल्य पाठ्यक्रम से आगे बढ़ते हैं, उनकी अभिवृत्ति में विकास होता है, उनकी मनोवृत्ति में विकास होता है। फिर थी हमारी इसकी लिमिटेशन, किसकी लिमिटेशन सबसे पहले क्या है, बालक की स्वयं की प्रकृति, क्योंकि बालक यहाँ अपनी इच्छा से कार्य करेगा, यहाँ अपना कहते हैं मन का राजा बन गया, अगर मन के राजा बनते हैं तो वो अपने कार्यों में कहीं ना कहीं गलती करने लगेंगे। सेकंड का हमारा सामाजिक उत्तरदायित्व की अवहेलना, जब बाल केंद्रित व्यक्ति पर ही केंद्रित होकर रह जाता है तो व्यक्ति समाज से नहीं जुड़ता, इसीलिए समाज के क्या उत्तरदायित्व है हम इनकी पूरी इनको पूरा नहीं करते। थर्ड का हमारा क्रमिक ज्ञान का प्राप्त नहीं होना, कहते हैं कि जब हम बाल केंद्रित ज्ञान लेते हैं बच्चों पर छोड़ते हैं तो कभी भी बच्चे अपना क्रमिक ज्ञान प्राप्त तो नहीं करते, अर्थात उन्हें किस क्रम से उस ज्ञान को प्राप्त करना है। फिर हमारा विषय केंद्रित पाठ्यक्रम था कि विषय केंद्रित पाठ्यक्रम की क्या विशेषताएं, तो सबसे पहले थी इसकी एकीकृत, सेकेंड था शिक्षा के उद्देश्य की पूर्ति, थर्ड था पाठ्य सामग्री, फिर था पाठ्य वस्तु का निश्चित करना, पांचवा था प्रत्येक ज्ञान का क्रमबद्ध और पृथक सहसंबंध, और विशेषताएं जो हमने इसकी लिमिटेशन बताई थी वो थी मेरा कि सबसे पहले कि अगर ये एकीकृत पाठ्यक्रम है तो इसका क्षेत्र कैसा हो जाएगा, व्यापक हो जाएगा। फिर था हमारा पाठ्य सामग्री पूर्ण प्रयोग के पर आधारित नहीं, और फिर थर्ड था हमारा सहसंबंध को हम पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं कर पाते। ये हमारे पाठ्यक्रम के प्रकार थे और पाठ्यक्रम की विशेषता थी, और आगे की जो हमारे पाठ्यक्रम के प्रकार हैं उनके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। धन्यवाद।